गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, कड़ी भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो पिछले साल के बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड होगा अपना हाफ लाइफ पीरियड से एज वेल एज हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। और बच्चों, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले कि अपन सेशन को स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको एक काम करना है, बेटा पास में ये आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा जिसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो हो उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो बेटा उनको जरूर देखिए। कहाँ मिलेगा? चैनल पर जाएंगे, लिस्ट पर जाएंगे, सारा वीडियो जहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है उनको जरूर देखिए, क्योंकि बेसिक से उन्हीं में है। आप तो आप एडवांस सीख रहे हो ना, ठीक है बच्चा, उनका डेरिवेशन है वो सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा। बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं जो बोर्ड पेपर में पूछे गए थे, उनको आपको करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर वन को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी नोट करेंगे अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखो, सबसे पहले लिखो SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में लगा समय 60 मिनट है, ठीक है। बोला यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो, यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे बच्चा? बहुत सिंपल है, देखो SO2Cl2 को बोला है ना, आपको बोला है कि टाइम कितना लग रहा है, टी हाफ का वैल्यू दिया है 60 मिनट, रख दो भाई, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको निकालना है वेग स्थिरांक, यानी के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। टी हाफ इक्वल टू फिट ऑफ फॉर्मूला देखो, वैसे टी हाफ क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 0.693 अपॉन की। बच्चों, आपको निकालना है कि टी हाफ को भेज दो नीचे 0.693 ऑन टी हाफ। अब आ जाओ, वैल्यू रखते हैं, मजा आ जाएगा क्वेश्चंस करने में भाई। चलो बच्चों, देखो k इक्वल टू कितना आया 0.693, सॉरी ये k है ना, हाँ चलो टी हाफ कितना दिया बच्चा 60 दिया है भाई, लिखो ओके। अच्छा कितना आ जाएगा 0.01155 मिनट इनवर्स, जब आप इसको डिवाइड करोगे तब आएगा, ओके बच्चा पार्टी। अब बच्चों, मिनट में है, इसको कन्वर्ट करो किसमें, सेकंड में, ठीक है ना। देखो मिनट में है भाई, सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे बच्चों, क्या करो 10 देना अपना, ठीक है, मिनट में दिया है, सेकंड में कन्वर्ट करना है तो काम करोगे, बहुत तरीके बता रहे आपको, आप कुछ मत करो इसको ना बेटा, ऐसे लिखो मैं डूब जाओ, देखो ध्यान से देखना जो चीज मैं कर रहा हूं, ठीक है। मिनट में है, सेकंड में करना है, एक मिनट में बेटा कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो जब इसको कन्वर्ट करोगे ना बच्चे, फिर डेसिमल को पहले आप आगे ले लो, दो प्लेसेस को आगे लो डेसिमल को, देखो दशमलव है ना, एक स्टेप चले दूसरा स्टेप चले, ठीक है, चलो दूसरा स्टेप चल गई, कितना आ गया 2.155 साइंटिफिक रोटेशन में कन्वर्ट करो बच्चे आप इसको, ठीक है। दो कदम पीछे चले तो 10 की घात कितना देगा -2, ये जब पीछे को चलते तो पावर माइनस में जाती है, जब आगे को चलते तो पावर 10 की प्लस में जाती है, ठीक है ना, आ गया। नीचे क्या बेटा 60 है तो 60 लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब बच्चों क्या करो, अब वेरी सिंपल हो गया, देखने में और भी आसान, जब आप इसको से डिवाइड करोगे ना तो आपके समथिंग क्या आएगा 1.925 into 10 to the power -4 सेकंड इनवर्स बेटा आपके पास आए,
ठीक है, ई का वैल्यू आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, ई का वैल्यू आएगा। समझते इस बात को, ठीक है ना? चलिएगा बच्चा, क्लियर है? बहुत बढ़िया, इनकम को निकालना था सिंपल, ये क्वेश्चन। आइए आगे चले। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन से बच्चा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक प्रथम कोटि, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग ई अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी के का वैल्यू, ठीक है, कितना है 1.15 इंटू 10^-3 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अभिकारक की, इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को हटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, कितना होने में कितना समय लगेगा। बच्चों आपको टी निकालना है, समझ गए हो ना? यस, बहुत बढ़िया, समझ गए ना बच्चों? क्या निकालना है? टी, कितना समय लगेगा बोलना है। देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 था, 5 से कितना हो गया 3 हो गया, तो बोला कितना समय लगा 5 से 3 होने का, की का वैल्यू दिया। अरे भाई बहुत सिंपल। चलो तो बच्चों पहले फॉर्मूला लिखो, की का वैल्यू क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट, इट मीन प्रारंभिक सांद्रता और ये अंतिम सांद्रता, ठीक है। आओ बच्चों बेटा आपको निकालना है, क्या आपको निकालना है टी, तो काम करते हैं बच्चा, टी को इधर लेते हैं, के को नीचे भेज देते हैं, तो 2.303 अपॉन की हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, ऑन ई हो जाएगा, सिंपल है। अब क्या करो ना बच्चों, देखो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हें, बोले के का वैल्यू रखो यहाँ पे, के का वैल्यू क्या ये रहा, ठीक है ना? तो क्या रखो भाई, इक्वल टू हो जाएगा 2.303, के का वैल्यू कितना है बच्चा, के का वैल्यू अपने पास था 1.15 इंटू 10^-3 लॉग। बच्चों पहले जो सांद्रता थी 5 थी, आप कितनी होगी 3 होगी, हो गया न्यूमेरिकल आसान, बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल। अब बेटा ध्यान से देखोगे ना, लॉग 5/3 करूंगा ना, तो इसका वैल्यू जो आता है, वैसे तो आप लॉग 5 इसका वैसे भी निकाल सकते, अगर मैं आपको बताऊं, जब बेटा आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, इस पूरी कैलकुलेशन को, तो देखो आपके पास कितना आएगा, आपको बता देना चाहता हूँ बच्चे एक बार, 1.15 × 10^-3। देखो यहाँ पे लॉग 5/3 की बेटा हमने वैल्यू निकाली है, वो कितनी आती है 0.22 या भी आप इसको निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लॉग 5 − log 3, ठीक है, ये लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग 5 − log 3 हो गया, लॉग 5 की वैल्यू रखो, लॉग 3 की रखो, माइनस कर दो, यही आया, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, 0.222 कर देना है ना। अब कर दिए तो बड़ा बच्चा आसान हो गया क्वेश्चन, सॉल्व करो भाई इसको, ठीक है, डेसिमल को हटाओ बच्चे, कैलकुलेशन को आसान बनाओ। देखो अभी 10^-3 को ना उधर भेज दो जरा, फिर माइनस में नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2.303 × 0.352 खिंचल गया ऊपर, 10^3 बन गया 3 और नीचे बन गया 1.15, बहुत बेहतरीन, सुंदर, वेरी नाइस, लाजवाब। तो स्टूडेंट्स आ कितना जाएगा, कितना आएगा बेटा, इतना कर लियो ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो बच्चों इतनी कैलकुलेशन इससे इसको डिवाइड कर लोगे ना, तो आपके पास 0.4 × 10^3 आ जाए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, 10^3 लिखे ना आप है, नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करोगे जाएगा 444 सेकेंड, यहाँ गया फाइनल आंसर, ठीक है, कितना आ जाएगा 444 सेकंड आ जाएगा, जो कि बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है, समझ गए हैं? अगर समझ गए तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर, चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है,
आगे आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन क्लास को ऑफ करते हैं, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ, चैप्टर को कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है बच्चा, चले बच्चों, बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बच्चा बाड़ी, बाय बाय। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जॉइन आवर 100% फ्री लर्निंग कम्युनिटी ऑन द नून ऐप, डाउनलोड नाउ।